स्मॉग का जिन बेकाबू, फजा बदस्तूर इंतहाई आलूदा, बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 तक जा पहुंचा, गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा इलाका, AQI 1000 रिकॉर्ड, शिमला पहाड़ी में 850, टाउनशिप 800 और जौहर टाउन में 790 AQI रिकॉर्ड, मुल्तान का AQI 408 तक पहुँच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, हल्के बादल आए तो मस्नूई बारिश कराई जाएगी। पंजाब में शदीद स्मोक से मामूलात ज़िंदगी मुतासर, बच्चे, ख़वातीन, नौजवान और बुज़ुर्ग अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला होने लगे। हस्पतालों में खुश्क, खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में मुसलसल इजाफा होने लगा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक के बायस पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी में औसत 9 माह की कमी हो रही है। आउटडोर खेलों के इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में खेलों की सरगर्मियां जारी रहेंगी। खेलों की सरगर्मियों में 18 साल से कम उम्र बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं होगी। मरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल बेहतर, पंजाब हुकूमत ने मरी में सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस खोल दिए। DG महकमा माहौलियात इमरान शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 1,71,00,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 1600 मोटरसाइकिलों को चालान, 526 मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं, 1100 से ज्यादा गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर बंद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जलजिले के झटके, पिशावर, मानसहरा, सवाबी, मालाकंड, बटगराम, मर्दान और सवात में शदीद जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड और गहराई 220 किलोमीटर थी। जलजिले का मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। जलजिले के बाद लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। फितना और खवारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक मंजरेआम पर आ गई। ऑडियो में खारजी नूर वली महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी नूर वली कहते हैं, मुजाहिदीन को इत्तला कर दो कि हमारी तरफ से वापसी की किसी को इजाज़त नहीं, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें, मुजाहिदीन को रास्ता बदलने की इजाज़त नहीं। दिफाई माहरीन का कहना है कि साबित हो चुका कि फितना और खवारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान, वज़ीर-ए-आज़म आज बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। माहौलियाती तब्दीली के मुज़र्रे सेहत असरात से तरक्की पज़ीर ममालिक की मुआशी मुश्किलात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में आलमी माहौलियात मुआशी वादों की तकमील पर जोर देंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारियों और नए फंड के क़याम पर भी गुफ्तगू करेंगे। दौर में रावलपिंडी जाने वाली बारातियों से भरी कोस्टर दरिया में जा गिरी। 26 मुसाफिर लापता, दरिया से 15 लाशें निकाल ली गईं, दुल्हन को बचा लिया गया। डेप्टी कमिश्नर अस्तौर का कहना है कि बाकी लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, कानूनी कार्रवाई के बाद डेड बॉडीज़ को लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। बस में सवार तमाम अफराद आपस में करीबी रिश्तेदार थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का कोस्टर के अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी उतार चढ़ाव का रुझान, 100 इंडेक्स में 35 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 93,190 पर ट्रेड होने लगा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी उतार चढ़ाव जारी।
नमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम के बेशर अरकान इसराइल के कटर हामी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलन मस्क नए महकमे गवर्नमेंट का चार्ज संभालेंगे। विवेक रामास्वामी उनके नायब होंगे। ये महकमा हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने और अखराजात में कमी लाने का जिम्मेदार होगा। टीवी मेजबान पेट हेगसेक, वजीर दिफा माइक हेगबी, इसराइल में अमरीका के नए सफी, इसराइल की हामी एलिस स्टेफनिक अक्वामे मुतहदा में नई अमरीकी मंदूब होंगी। स्टीवन विटको मशरक वस्ता के लिए नए अमरीकी एलची होंगे। माइक रोबियो के वजीर खारजा बनने के कवी इम्कान हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। अमरीका के अहम तरीन दाखिली और खारजी पॉलिसी के उमूर पर बातचीत होगी। बाइडन ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन को तन्हा ना छोड़ने पर जोर देंगे। सदर मुंतखब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को रिलीफ मिलना भी शुरू। जज ने इस्तगासा की दरखास्त पर ट्रंप हशमनी फौजदारी केस की कार्रवाई रोक दी। ट्रंप पर अदाकारों को रकम देने समेत माली लेन देन के 34 इल्जाम। और शाहीनों की वनडे के बाद टी20 सीरीज पर नजर। कौमी स्क्वाड का ब्रिस्बेन में पड़ाव। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच सिडनी और तीसरा मैच होबार्ट में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 25 टी20 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स ने 13 और कैंगरूज ने 11 मैचेस में कामयाबी हासिल की।